ले ज्योति फोन ले लो। बोल एक बार फोन दे दे। जय माता दी। वो वाला स्टूल ले। जोर से बोलो जय माता दी। कहते हैं खुदा ने इस जहां में, खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी न किसी का अच्छा रहे। देख तुम्हें क्या कह रहे दो मजदूर। ले आओ मैं भी बैठ दूँ। चलो हम जा रहे हैं यहाँ पर घूमने, लोडी गार्डन जा रहे हैं हम, तो हम इसलिए बस में बैठे हैं। आप देखना पॉपट हो गया, गलत बस में चढ़ गए थे लोडी गार्डन के लिए। ठीक है अब दिखा दो। ठीक है ना करो सिंह। हाय ओए आदित्य। बोल गाइस हमारी बस छोड़ गई, मेट्रो भी छोड़ गई, जो ती छोटू पे पूरा होगा तुम्हें। अरे दीपांशु और साक्षी एक बार। हेलो हाउ आर यू। हाय यार मैं तो आई हूं, ये मेरे फ्रेंड है। डोरेमोन, डोरेमोन आ गया गाइस। ये वो डोरेमोन जो हम बंगला साइड में खो गया था आज। ये रहा वो डोरेमोन। नहीं मैंने कोई नहीं, ये बंगला साइड में खो गया था। इन्होंने खो दिया था। ये नहीं खोई थी, ये नहीं खोई थी, ये खोई थी। ये पूंछ अच्छी नहीं हुई। चलो भाई पहले आपको जूता निकल गया किसका? ए ज्योति का जूता निकल गया पिना। अब बोल लोग ने बोल। ज्योति का जूता निकल गया, आदित्य सिंह ने नहीं पहनाया। ये देखो ये ज्योति। ध्यान से देखिए लोग, देखिए देखिए ये पागल लोग, ये फ्री वाले लोग हैं। पागल है पागल है, ऐसे लेके जा रहे हैं पागल लोग। यार कैसे बंदा मैं बोलूंगा, बता दे जरा। तू कुछ मत बोल, ये बकवास चल रही है। डोरेमोन आ जा। चाहिए तो अभी संत आ जाके देखो होता है। स्विमिंग पूल है, कैमरे 2.5 लाख का कैमरा है। वीडियो या ये लड़की है बताओ। तुम्हें चॉकलेट नहीं दी ना है इसे मनाया। आदित्य बता हम कहाँ पहुँच गए। हेलो फ्रेंड्स हम लोग आए हैं लोधी गार्डन। गाइस हम लोधी गार्डन पहुँच गए हैं, आप देख लो जा रहे हैं। ठीक है मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। ये राशन राशन पा लिया, बेग में राशन पा लिया। चलो क्या चाहिए तने बताओ क्या चाहिए। 10 रुपए 5 रुपए 10 लाख रुपए का एक नोट चाहिए इसको। अब बोलो 10 लाख का एक नोट चाहिए। और तुम्हें क्या चाहिए? एक बंदी चाहिए। इन्हें बंदी चाहिए गर्लफ्रेंड। कमेंट कर देना कोई लड़की खाली हो तो इन्हें बता देना। तने कुक रहे थी हाँ, एनसीसी के सीनियर है और पूरी हिस्ट्री ये कौन है मनोज के, ये आर्यन बताएंगे। बताओ आर्यन ऑफिस का नाम ही बता दो, सीधे लड़की भैया आएगी। अब रुक जा बताओ कौन है ऑफिस का नाम। देखने की छोड़ रहे थे। अब बताओ तो गाइस जैसा कि आप ये देख रहे हो ये मकबरा है और एज अ हिस्ट्री ये एक ऐसा मकबरा है जिसमें कई सारे नवाबों की कुछ राजाओं की भी जो है वो गाड़ी गई है। गाड़ी नहीं गई है, एक तरीके से हम ये कहा जा सकता है कि
अगर कोई मर जाता है, कोई भी राजा महाराजा जब कोई गुजर जाता है तो उसकी एक फरमाइश होती है कि उसकी जो लाश है वो ऐसी जगह गाड़ी जाए जहाँ पे पब्लिक उसको देख के हमेशा सलाम करती रहे। तो ये कुछ ऐसा ही रूप है एक तरीके से। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि पुराने ज़माने की जो हिस्ट्री थी, पुराने ज़माने के जैसे लोग थे, उस हिसाब से यहाँ पे आप डिज़ाइनिंग देख सकते हो, कारीगरी देख सकते हो आप लोगों की। लोगों ने इतनी अच्छी कारीगरी थी पहले ज़माने में। आप, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं कि पहले ज़माने में इतनी अच्छी अच्छी कारीगरी की जाती थी, बट आज के समय में ऐसा नहीं है। क्योंकि और जहाँ पर हम इस समय हैं, यहाँ पर जितनी ठंडक है, जितनी हम ठंडक में हैं, वहाँ पर इतनी ठंडक कभी नहीं हुई। क्योंकि ये जो प्लेस बना हुआ है, यहाँ पे जो पत्थर यूज़ हुए हैं, वो जो पत्थर हैं वो कुछ ऐसे पत्थर हैं जो आज के ज़माने में नहीं मिल सकते। ये देखिए, अंधेरा है इसके अंदर, इसलिए मैं रोशनी जो है वो तेज कर रहा हूँ। ये देखिए, और जाते हैं यार थोड़ी देर धूप में, सर भी दर्द हो रहा है। इधर आ ना, तेरी गूगल वाली हिस्ट्री बनाऊं बाबा जी, बनाओ। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं, बड़ा गुम्बम मजदूर मस्जिद है ये, इसे मस्जिद के नाम से जाना जाता है। ये बड़ा गुम्बम है, और वो बड़ा गुम्बम जैसा कि आप देख रहे हो उस तरीके से कुछ है। और हम यहाँ पे पढ़ने आए हैं, ना कि घूमने। जैसा कि हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उस हिसाब से हम इसे शूट कर रहे हैं, और हमारी जो आइडियोलॉजी है हम वो आइडियोलॉजी दिखाना चाहते हैं। ये एक डिज़ाइन देख सकते हैं, पुराने ज़माने में जो डिज़ाइंस होते थे, पुराने ज़माने के जो लोग होते थे उनके हाथ में जो कला थी, जो रचनाएँ थी, वो यहाँ पर वो दिखाते हैं, दर्ज करते हैं। ये देखिए, जब यहाँ वो रिहा करते थे तो जो यहाँ साइंस बने हुए हैं, जो यहाँ साइन बने हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो कि ये साइन बना हुआ है, तो ऐसे ही यहाँ पे कुछ सोने का या जिस भी चीज़ का होता है वो रखा जाता था। अभी लोगों ने बहुत जो है नाम वगैरह करके और जैसे ख़राब कर रखा है, बट ऐसा नहीं था। जैसा कि आप देख सकते हो, मैं ऊपर आपको दिखाता हूँ, ये देखिए आप देख सकते हैं ये डिज़ाइनिंग, ये प्लेस ऑफ मूवमेंट, ये देखिए। इन दीवारों में इस समय इतनी ठंडक है, ये जो इन पत्थरों में जो यूज़ हुआ है, ये पत्थर ऐसे पत्थर हैं कि इनको कई सालों तक अगर छोड़ दिया जाए तो इनका कुछ भी नहीं होगा, और इनमें नमी नहीं होती, बट फिर भी ये इतने ठंडे रहते हैं। पहले ज़माने में लोग जो होते थे वो मोटे कपड़े पहनते थे गर्मियों में भी, क्योंकि उनको ठंड नहीं लगती थी, क्योंकि जो ये पत्थर होते हैं वो इस तरीके से पत्थर होते हैं कि उनको अब्सॉर्ब रखती है और ठंड गर्मी से धूप से बचाती है। तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये काफ़ी ठंडा एरिया है, यहाँ पर काफ़ी ठंडक है, बट जो गंदा है इसी वजह से हम अंदर नहीं जा सकते। लेकिन जैसा कि हमने बुक्स में पढ़ाया और हमारे टीचर्स ने हमें पढ़ाया है, उस हिसाब से यहाँ पर जो कैदी होते थे उन्हें रखा जाता था, और कुछ खुफिया रास्ते जो होते हैं वो है ये, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कुछ खुफिया रास्ते हैं जिससे लोग आया जाया करते थे युद्ध के समय, और कुछ ऐसा समय होता था जब वो कुछ खुफिया रखना चाहते थे तो ऐसी जगहों पर वे लोग आते थे और यहाँ पे अपना जो भी कार्य होता था कंप्लीट करते थे। बन के सर्कल, ये बोतल घूमेगी फिर हम खेलेंगे डेयर डेयर। ये पहली लकड़ी कौन ले? एक दो तने पे तने नहीं, एक ही जना, एक जंगल बैठे उदास से नाच के देखा उनके बगल बैठना है और उसके बाद क्या आना, बैठ के और बैठ के मगर भाग के आना है, बैठ के मगर भाग मैंने कर दिया डेयर कंप्लीट। इधर
हाँ जा आदित्य, आदित्य को ढेर कौन देगा? तो क्या अब यही बोलेंगे आई लव यू बोल के? आर्यन चल मैं तेरा हूँ एहसान। मेरा फोन है, इतना रेड वाली है ना, नहीं नहीं पैकेट दे। गाइस ये डेयर करने जा रहा है, यहाँ तक आ जानी चाहिए। मैं खड़ा होके बोल, खड़ा हो जल्दी। जाओ मजा नहीं आया। फिर से मिलूंगा मैं तुमको वही, चाहो ना मिलूं तो बता दे कितना पागल। देख मसाला लग रहा था तुमसे करता है पर सामने जब ना से तेरी गलियों में मोहब्बत होगी, नाम निकलेगा जुबा से जब भी। और नहीं ये फील कर ले कि यार अब कम मिलेंगे, हफ्ते में हर संडे संडे। गाइस इमोशनल हो गई है, आज हमारा कॉलेज का लास्ट डे है। बाल खराब हो गए उसके, स्ट्रेट करवा के आई थी। साक्षी को डमरू दिला देते हैं, हाँ जब भी तो याद करेगी हमें डमरू बजा दियो। यार ज्योति भी रो रही है भाई, क्या बात है बहन, हम मिले यार ऐसे थोड़ी होता है, चिंता मत कर। तू भी रो रही है, चुप हो जा बहन, तुझे क्या हो गया, चुप हो जा। अभी हमारा फेयरवेल थोड़ी है, अभी हम एग्जाम देने भी तो जाएंगे। चुप हो, चल रो रहे हैं साले, हमें पागल आ जाएंगे ऐसे रो रहे हैं साले। चुप हो, क्या हुआ यार, बुड्ढे बुड्ढी थोड़ी ना हो गए हो, डोरी मोन की तरह बन। क्या है, किसी रिश्ते से फेट पूजा जा रही है पक्का? ज्योति रोज दियो, रोज दियो क्या? नहीं इतना ज्यादा हैवी हो जाए। ये डाटन चल रहा, मन भाई फोन दिया अपना, ये बत्ती बना हाथ से खा ले फिर। ज्योति दियो रोज, एक मिनट क्या है पोहे में आलू कौन डालता है? नहीं बना रहा ना, गोभी भी डलती है इसमें, किशमिश भी डलती है, पर मम्मी ने सुबह जल्दी की वजह से ऐसे ही बनाया है, मैं बहुत में लेट हो गया। तुम हमारे साथ ही आई थी दो मिनट पहले ही मेरे ख्याल से, तो होगा गाइस ये सारा लड़की अकेले अकेले खा गई है, पूरा टिफिन भर रहा था। पूछा था हमने इसको पर इसने खाया नहीं, तो हम कुछ नहीं कर सकते, पीछे रह नहीं सकते, बता भी कर। बंदूक खा लियो साक्षी, तुम्हारे लिए ये अरिंदे साक्षी लोधी गार्डन के अंदर भी। मैं पहली ऐसी लड़की है जिसने अपना रोज कैफे है जी, नहीं इनने नहीं लिया, मैंने दिलवाया है। हरियाणा में देसी घी ना पिया तो फिर क्या पिया, सही बात है, एंड दूध भैंस का कड़ा हुआ। हाँ सही कह रहा है ना, दिस नहीं क्या बात है, ये समझी नहीं से ले जा, इसे पता नहीं है अभी। चलो यार, हरियाणा की नहीं है ना,